हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं नरेशन के बारे में। आज हमारा लेक्चर है 5। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो इंटरोगेटिव है। असर्टिव के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो देखिए, इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इफ रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है इज इंटरोगेटिव, तो रूल ऑफ चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमें किसको चेंज करना पड़ेगा, पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। दोबारा से फिर हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदला जाएगा अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव नहीं है बल्कि क्या है, इंटरोगेटिव है। तो देखिए, आपको क्या मिल सकता है, से और से टू को चेंज करेंगे आप आस्क में। से और से टू दोनों को किस में चेंज करेंगे, आस्क में। सेज और सेज टू को चेंज करेंगे आस्क्स में। सेड और सेट टू को चेंज करेंगे आस्ट में। विल से और विल से टू को चेंज करेंगे विल आस्क में। देखिए, असर्टिव सेंटेंस से बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें हमने से को से में, से टू को टेल में चेंज किया, यहां पर हम से और से टू दोनों को आस्क में चेंज करेंगे। सेज और सेज टू को आस्क्स में, सेड और सेट टू को आस्ट में, विल से और विल से टू को चेंज करेंगे विल आस्क में। ओके, आफ्टर दैट हम आ जाते हैं इन्वर्टेड कॉमास के पास। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे और कंजक्शन यूज करेंगे। क्या कंजक्शन आप यूज करेंगे, इफ और वेद आर। आप इस चीज को अच्छे से याद रखेंगे, कंजक्शन क्या यूज करेंगे, या तो इफ लगेगा या फिर लगेगा वेद आर। तो इसको हम कई बार यूज नहीं करते हैं, मोस्टली हम इफ यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर। कब, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है और स्टार्ट किससे, हेल्पिंग वर्ब से। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव हैड, कैन, कुड, मे, माइट, इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से या मोटर से स्टार्ट है तो कंजक्शन क्या लगेगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और इफ का यूज करेंगे एज ए कंजक्शन। असर्टिव में हमने दैट का यूज किया था ना, तो यहां पर इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में हम इफ लगाएंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे। ओके, अब प्रोनाउन का आपको पता है किस प्रकार से चेंज किया जाता है, SON/1-2-3। लेकिन यहां पर क्या है, आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होता है, जब आप इसको डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है ना, जब उसको चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, ये ध्यान रखना। कई बच्चे हेल्पिंग वर्ब को वही रख लेते हैं, सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, देखिए अब इसमें ये मैंने आपको मेन पॉइंट दिया है, इसको भी आप अच्छे से नोट करेंगे। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है डू डज, डू डज के बाद सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप इस डू डज को क्या करेंगे, इस डू डज को काट देंगे, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख लिया आपने, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। ठीक है, अगर डू डज आ जाता है। अगर सेंटेंस में यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डिड है, क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, मैंने आपको बताना कि इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट आप यहां पर डिड को काट देंगे और चेंज कर देंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये दोनों बातें जो है आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे प्रोनाउंस आपको चेंज करने आते हैं, टेंसेज आपको चेंज करने आते हैं। बात वही है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेट टू है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब से टू, से टू, विल से, विल से टू है तो इंटरोगेटिव में भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज किया जाएगा, सेम रूल वहां वाला अप्लाई किया जाएगा। एग्जाम्पल देखें, ही सेड टू मी, आर यू फीलिंग वेल टूडे। अब देखिए, सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। रिपोर्टेड स्पीच है आर यू फीलिंग वेल टूडे, क्या आज आपको अच्छा फील हो रहा है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है। तो अब कहां जाएगा आपका ध्यान कि सेट टू को किस में चेंज करें, सेट टू को मैंने आपको बताया सेट या सेट टू को चेंज करेंगे आस्ट में। क्या लिखा आपने, ही आस्ट मी। अब इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, अब ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इज एम आर, तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या करते हैं इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे और कंजक्शन क्या लगा देंगे यहां पर, इफ। ठीक है, आफ्टर दैट अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। पहले हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में क्या है, यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, आप इसको लिख लीजिए यू, यूअर, यू। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, किसे बना है, मी, आई, माय, मी। अब देखिए ये यू सब्जेक्ट है तो यू के नीचे क्या लिखा हुआ है, आई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई। अब क्या करेंगे,
इज एम आर को चेंज करेंगे वाज वर्ब में, तो आई के साथ में क्या आएगा, वॉज आएगा, आई वॉज, आगे फीलिंग वेल। अब देखिए यहाँ पे टूडे नियरनेस शो कर रहा है, आपको पता है कि टूडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में। इस प्रकार से हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई सेड टू हर डू यू नो हिंदी, आई सेड टू हर डू यू नो हिंदी। अब आपके रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है, आपने सेड टू को चेंज किया आस्ट में, आई आस्ट हर, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके क्या लगाया आपने, इफ। आफ्टर दैट अभी मैंने आपको बताया कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू डज को क्या कर देते हैं यहाँ से काट देते हैं, पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू हर। अब हर लड़की के लिए क्या गया, हर किससे बना है, हर किससे बना है, सी हर हर, तो बताइए यू के नीचे क्या लिखा हुआ है, सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यू को चेंज किया सी में। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए डू डज को काट दिया है, नो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, नो न्यू नॉन हिंदी फुल स्टॉप, क्योंकि हमने इंटरोगेटिव को चेंज किया असर्टिव में, तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। आफ्टर दैट एक एग्जांपल और देखते हैं, ही सेड वर यू अब्सेंट यस्टरडे, वर यू अब्सेंट यस्टरडे, ही सेड। अब देखिए सेड को भी चेंज करेंगे किस में, लास्ट में, मैंने आपको बताया कि सेड या सेड टू दोनों को चेंज किया जाएगा आस्ट में। ही आस्ट, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, इफ लगाएंगे। अब यहां देखिए वाजवर है, वाजवर चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद, पहले सब्जेक्ट को चेंज कीजिए यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड को बदलेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए एक नया रूल आ जाता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर यहां ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो या तो आप मानेंगे यहां पर मी या फिर मानेंगे हिम या हर, यानी कि या तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मानेंगे या फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन मानेंगे, यहाँ पर यू नहीं मानेंगे आप, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यहाँ नहीं हो सकता, यानी कि यू को यू में चेंज नहीं करेंगे, यू को चेंज करेंगे आप या तो यहाँ पर आप मी मान लीजिए या फिर हिम मान लीजिए या हर। अगर आपने यहाँ मी माना तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, आई। अगर यहाँ पर आप हिम मानेंगे तो आप यहाँ पर ही भी लिख सकते हैं, अगर आप हर मानेंगे तो यहाँ पर शी भी लिख सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है। तो यू को चेंज किया हमने आई में, ही में या सी में। वर को चेंज करेंगे, आपको पता है कि वाज वर को चेंज किया जाता है हैड बीन में, तो किस में चेंज किया आपने, आई हैड बीन, आगे एब्सेंट यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में, यस्टरडे को चेंज किया जाएगा द प्रीवियस डे। तो ये था आपका, यानी कि अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर आपने सेड या सेट टू को तो चेंज कर दिया, अगर से टू विल से टू आ जाए तो हम क्या करेंगे, अब यहीं देख लेते हैं, हम रिपोर्ट स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। कैसे, जैसे ये सेंटेंस ऐसे हैं, ही सेज टू मी आर यू फीलिंग वेल टूडे, सेज टू होता तो सेज टू को चेंज करेंगे किस में, सेज टू को आस्ट में, ही आस्ट मी, कंजक्शन इफ ही लगेगा, यू को बदलो पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन मी के अकॉर्डिंग आई में। अब इज एम आर को वाजवर में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, तो आई के साथ में क्या आ जाएगा, आई एम फीलिंग वेल दैट डे। बस यहां पर इज एम आर को वाजवर में चेंज नहीं करेंगे अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है से टू विल से टू है तो। समझ में आ गया सभी को? अब देखिए अभी आप सोचते होंगे कि सर इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो व्हाट वेयर व्हाई हुम विच व्हेन यानी कि क्वेश्चन वर्ड भी तो आते हैं, तो अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो एक रूल अलग से हो जाएगा कि आप कंजक्शन इफ नहीं लगाएंगे बल्कि ये जो WH वर्ड है ये खुद ही कंजक्शन का काम करते हैं वहां पर। क्या करेंगे आप, इफ, नेक्स्ट रूल है, इफ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद WH वर्ड्स, व्हाट वेयर व्हाई हुम विच व्हेन से स्टार्ट है, वी डू नॉट यूज इफ एज ए कंजक्शन, तो हम इफ का यूज नहीं करते, व्हाट है तो कंजक्शन व्हाट हो जाएगा। अब देखिए जो ये क्वेश्चन वर्ड है इनके बारे में क्या मिलता है, वो हेल्पिंग वर्ब मिलती है, वो हेल्पिंग वर्ब कहां चली जाएगी, सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी, बात वही हो जाएगी। अरे WH वर्ड के बारे में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी ना, वो हेल्पिंग वर्ब कहां चली जाएगी, सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। देखिए ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है, WH वर्ड से स्टार्ट है, सेट टू को आप चेंज करेंगे आस्ट में, ही आस्ट मी,
अब इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके यहाँ इफ नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे व्हाट है पहले, डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड व्हाट। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाएगी, सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। पहले आप यू को चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है और मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, व्हाट आई। कई बच्चे लिख देते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले, गलत हो जाएगा। व्हाट आई ई जे एम आर को चेंज किया आपने वॉच में, आई वॉच डूइंग, और हेयर को चेंज किया देयर में। इस प्रकार से आप यानी कि रूल को बड़ा ही बारीकी से अच्छे से, एक भी जगह अगर आपने चूक कर दी तो आपका सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम क्या है, आपके रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है, आप सेड टू को चेंज करेंगे आस्ट में, आई आस्ट हिम, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके इफ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, व्हाट लगेगा, क्योंकि हमारा जो कंजक्शन है क्या लग जाएगा यहाँ पे, व्हाट, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट। अब यहां पर आप देखेंगे इज हेल्पिंग वर्ब है, यूअर नेम सब्जेक्ट है, तो ये इज कहां चला जाएगा, सब्जेक्ट के बाद। पहले यूअर को चेंज कीजिए, लिख लीजिए इसको यू, यूअर, यू, सेकंड पर्सन बनाओ, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या, हिम, हिम किससे बना है, ही, हिज, हिम। अब देखिए यूअर को चेंज करना है तो हिज आएगा, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, हिज नेम, और इज को चेंज करेंगे वर्ड में, व्हाट हिज नेम वॉज। कई बच्चे कर देते हैं ही आस्क्ड हिम व्हाट वॉज हिज नेम, कि जच रहा है, जचाना नहीं है, हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है, व्हाट के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा हिज नेम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड बाद में चला जाएगा, इज को वॉज में चेंज कर दें। आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी सेड टू मी व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम हियर, ये वाई से स्टार्ट है, डब्ल्यू एच वर्ड है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सेट टू को चेंज करेंगे आस्ट में, सी आस्ट मी, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके वाई, वाई का यूज करेंगे वाई, ई जे एम आर को सब्जेक्ट के बाद लेकर चले जाएंगे, यू को चेंज कीजिए, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है और मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अब ई जे एम आर को चेंज किया वॉज में, आई वॉज वेस्टिंग, यूअर को चेंज किया आपने, यूअर सेकंड पर्सन बनाऊ, मी के अकॉर्डिंग किस में चेंज हो जाएगा, माई में, माई टाइम, और हेयर को चेंज करेंगे देयर में। यानी कि जो भी आपने प्रीवियस रूल्स पढ़े हैं वो रूल हम साथ के साथ में यूज कर रहे हैं। आपने नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स पढ़े होंगे, टेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वेबसाइट या सेट टू है तो वो सभी के सभी जो रूल हैं वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, वेयर से स्टार्ट है, इंटरोगेटिव है, सेट टू को चेंज करेंगे आस्ट में, मी, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करेंगे, कंजक्शन क्या आ जाएगा, वेयर, इज एम आर को ले जाएंगे सब्जेक्ट के बाद, यू को चेंज करेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, आई में, इज एम आर को वॉच और में, आई वॉच गोइंग। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करेंगे। अब अगर आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया है तो कोई भी फाइव सेंटेंसेस, कोई भी फाइव एग्जांपल्स आप इसके अपने आप सोल्व करके देखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं इंटरोगेटिव के बाद इम्पैरेटिव सेंटेंस के बारे में, कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इम्पैरेटिव हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज किया जाएगा। आशा करते हैं आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको ये राइट करना है, अपनी नोट्स बनाने हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं। पहले भी आपने स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, और अगर आपको हमारे लेक्चर YouTube लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हमें एनकरेज करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।